मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है, हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसे गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहां नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। तो ये बात जो है पतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता, उसी वक्त देता। राजनीति एक तरफ है, मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही मां है और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी मां में। मेरे लिए उनका सम्मान उतना ही है जितना मेरी अपनी मां का है। मेरे लिए मीसा दी हो या मेरी तमाम और बहनें उनके परिवार की, उनके लिए वही सम्मान है जो मेरा मेरी अपनी बहनों के लिए। राजनीतिक लड़ाई में राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा, पर अगर मेरे सामने कोई मेरी मां राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ा।